सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा आवास योजना बनाई ताकि इन गरीब परिवार के लोगों को पक्का आवास मिल सके, परंतु उत्तर प्रदेश श्रावस्ती ब्लॉक गिलौला गांव बढ़ईपुरवा ग्राम पंचायत किशनपुर चंदनबारी के निवासी अब्दुल रहमान सहित 25 गरीब परिवार के लोगों को इंदिरा आवास न मिलने के कारण इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी सर, समस्या बहुत है यहाँ पर, बाढ़ बहुत परेशान करती है और साल में 2-3 बारी यानी बरखा का समय जब आता है तो 2-4-10 बाढ़ें आ जाती हैं। उसके बाद घर मकान जो है कच्ची दीवारें हैं और टटिया वाले मकान हैं, फूस वाले, तो जब बाढ़ें आ जाती हैं मकाने सारे गिर जाते हैं और मकाने गिरने के वजह से ना बाल बच्चे जो है और गेहूँ है, अनाज है, ये सारा बह जाता है और उनको कहाँ बैठना पड़ता, कहीं इस झाड़ पे कहीं उस झाड़ पे इधर उधर बैठ के कैसे अपनी ज़िंदगी या जीवन बचाते अपनी, इसके लिए यहाँ बहुत परेशानी रहती है। तो इंदिरा आवास का जो योजना है हम लोग को मिल जाए तो बहुत सुविधा हो जाए हमारे सबके बच्चों के लिए। बड़ी मुसीबत है, 7-7 दिन खाना नहीं बना है, बहिया आवत है सब बहिगा, सब गिर पड़गा और 5-6 दिन खाना नहीं बनत है, आंधी तेज बयार चले लागत है तो खाना नहीं बनत है, ऐसे सब है सतुआ बनाए बनाए फाँक फाँक रह जाते, सतुआ से दिन काटा जाते, बड़ी परेशानी बड़ी मुसीबत ही है। आवास न होने से दिक्कत ये होता है कि राशन अरे पानी बरसे तो भीग जाए और चोरी हो जाए और गल्ला है या राशन है या सीधा है मूस खाए, मूस उठाए ले जाए, चोर खाए उठाए ले जाए, ढोए ले जाए, कुकुर बिलार उठाए ले जाए, रोटी नहीं बचत है। हम लोग किए हैं, प्रधान के पास गए, सेक्रेटरी के पास गए हैं तो प्रधान लोग कह देते हैं कि जाओ कुछ नहीं मिलेगा, हम नहीं जानते हैं। सेक्रेटरी के पास गए वो भी कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं। मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग गिलौला ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी का मोबाइल नंबर 9454-46-4756 पर कॉल करके दबाव बनाएं और हमारी मदद करें। मैं रईस अहमद, उत्तर प्रदेश जिला श्रावस्ती, इंडिया अनहर्ड के लिए।